है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कितनी बार डेरिवेटिव किया, डीवाई बाई डीएक्स फर्स्ट ऑर्डर का आ जाएगा, फिर से उसका डेरिवेटिव करो। देखो इस तरीके से टर्म्स आएंगी, तो ये आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब फिर से इसका डेरिवेटिव किया डीवाई डीएक्स ऑफ डीवाई बाई डीएक्स, जो डीवाई बाई डीएक्स आ गया उसका फिर से डीवाई डीएक्स किया, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। लिखने का तरीका देख लो क्या है, तू कहां कहां पे लिखना है, हर जगह नहीं लिखना है, ऐसे नहीं नीचे तुम लिखो डी का स्क्वायर भी एक्स का स्क्वायर भी, नहीं बेसिकली डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर डी का स्क्वायर और वाई का। ये आ जाएगा तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। देन फिर से डी बाई डी एक्स किया, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा, डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यू, और ये आ जाएगा तुम्हारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड सोंटेल एन टाइम अगर कर दिया तो क्या बन जाएगा, डी एन वाई बाय डी एक्स एन, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एन एथ ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। इसको तुम वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हो, इसको वाई डबल डैश से करोगे, इसको वाई ट्रिपल डैश से करोगे, एंड सोंटेल इसको वाई एन टाइम्स डैश से रिप्रेजेंट करोगे। ये समझ में आया पक्का, जनरली ये y की पार n से रिप्रेजेंट होता है क्योंकि n टाइम्स डैश लगाने के लिए वो क्या करते हैं n लिख देते हैं, वो तो तुम्हें क्लियरली दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि वो y की पार n लिखा होगा, वो क्लियरली दिखाई देगा हाँ वो डेरिवेटिव वाला n है, वो अलग तरीके से लिखते हैं। ये समझ में आया राइट, तो बस एक चीज का बार बार डेरिवेटिव करते रहना, दैट्स इट। अब जैसे मान लो वाई इक्वल टू लेट से हमारे पास है एक्स की पार एन ही है चलो, ठीक है, तो इसका वाई डैश क्या आ जाएगा, एन एक्स की पार n माइनस वन, अच्छा y डबल डैश क्या आ जाएगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस टू, अच्छा y ट्रिपल डैश क्या आ जाएगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एक्स की पावर n माइनस थ्री, हाँ जाना। तो एक चीज बताओ nth डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल, अरे ये मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं ना, एन माइनस थ्री आगे आएगा फिर एन माइनस फोर आगे आएगा एंड सो ऑन टिल लास्ट में क्या बचेगा इसके अंदर वाई की एक्स की बार जीरो बचेगा लास्ट में। एक चीज देखो, अगर ये पैटर्न नहीं पहचान पा रहे हो, ये समझ में आ रहा है ना कि एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर सो ऑन टिल चलता रहेगा, कहां तक जाएगा वो चीज नहीं पता चल पा रही, यही हो रहा है ना, ये समझ आ रहा है इतना पक्का। तो कहां तक जाएगा, कौन सी एक्स की पार तक जाएगा, वो चीज चेक करने के लिए मैं एक रूल, देखो छोटे छोटे पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है। देखो इन दोनों के अंदर वाई डैश कितना है और एक्स की पार कितना है, दोनों का सम देखो क्या है, एन एन माइनस वन प्लस वन एन, इधर कितना है टू, इधर कितना है एन माइनस टू, तो दोनों का सम कितना है, तो एट एनी मोमेंट किसी भी डेरिवेटिव के अंदर इन दोनों का पावर का सम क्या रहेगा, एन। इसी थर्ड के अंदर देखो थ्री और n माइनस थ्री कट के कितना आ गया n, तो nth में भी क्या आएगा n n माइनस वन n माइनस टू सो टिल लास्ट तक जहां तक भी जाएगा साथ में जो x की पार होगी वो क्या होगी, दोनों का सम n होना चाहिए, तो इधर n आ गया तो इधर क्या आएगा और जीरो कब आएगा, जब ये लास्ट में जाके वन नीचे आएगा तो इसलिए ऊपर वन माइनस वन होगा, यानी कि ये टू थ्री, तो इस तरीके से ये आ जाएगा, तो ये क्या बना मेरा n फैक्टोरियल और ये आ गया वन, तो बेसिकली ये मेरा बन गया n फैक्टोरियल। तो y इक्वल टू x की पार n के अंदर अगर nth डेरिवेटिव निकालूं, यस वो n फैक्टोरियल आएगा। ये समझ में आया पक्का, ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक, यस सर, ये नोट करो, यस
देखो जरा दोनों टाइप के क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मेथड अलग लगेगा, ठीक है। पहला ये वाला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, ठीक है। अब अपने को प्रूव करना है डबल डेरिवेटिव प्लस n स्क्वायर y, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है दैट इज इक्वल टू, इन दोनों का सम क्या जाएगा, जीरो, राइट। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमने डेरिवेटिव निकाला। देखो y डबल डैश तक तो हम y डैश के डेरिवेटिव से पहुंच सकते हैं, तो डायरेक्टली y से y डबल डैश नहीं पहुंच सकते, पहले मेरे को y का y डैश करना पड़ेगा, मतलब मेरे को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद में सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंच सकता हूं, डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते, बात समझे। तो पहले मेरे को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो y डैश क्या आ गया, a एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन nx इंटू nx का डेरिवेटिव n प्लस b एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos nx इंटू n। अब ये n और ये n कॉमन आ गया, यहां तक क्लियर है। फिर से डेरिवेटिव किया तो y डबल डैश क्या आ गया, n इंटू माइनस a cos nx इंटू n, b cos का डेरिवेटिव माइनस साइन nx इंटू n, फिर से ये n कॉमन आ गया और नेगेटिव n भी कॉमन आ गया, तो माइनस भी कॉमन आया एक n भी आया, n इंटू n स्क्वायर, क्या बचेगा इधर, a cos nx प्लस b साइन nx y डबल डैश। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये a cos nx प्लस b साइन nx वो तो ओरिजिनल था हमारा y, राइट। तो इसकी जगह मैंने क्या किया, y को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या बन गया, ये माइनस n स्क्वायर y, तो y डबल डैश, तो y डबल डैश प्लस n स्क्वायर y दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अपने आप वो वाली स्टेटमेंट तक हम पहुंच गए जो हमें प्रूव करनी थी। तो एक तरीका ये होता है क्या, कि जो चीज कर रहे हो वो करो, करते 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 अपने मैनिपुलेशन से वो चीज पहुंच जाएगी। दूसरा तरीका क्या होता है कि भैया लेफ्ट हैंड साइड पूरा का पूरा इवेल्युएट करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा कि वाई डबल डैश के अंदर वाई बन रहा है या नहीं बन रहा, फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पूरा का पूरा इवेल्युएट किया, अपने आप वो चीज क्या बन जानी चाहिए, जीरो। वो भी देख लो, देखो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है, वाई डबल डैश, वाई डबल डैश यहां से आया था ये चीज, ठीक है, दैट इज माइनस एन स्क्वायर a cos nx प्लस b sin nx, अब प्लस n स्क्वायर इंटू y, y क्या मेरा a cos nx प्लस b sin nx। अब देखो ये इसी का नेगेटिव है इसी का पॉजिटिव है, तो ये कटके क्या आ गया, जीरो। तो अपने आप राइट हैंड साइड बन गई। तो दो मेथड है, मैंने देखो फर्स्ट मेथड के अंदर मैंने y डबल डैश निकाला और उसके अंदर ही y को रिकॉग्नाइज किया और y को उसकी जगह पर डाल दिया, एक तो ये मेथड आ गया। दूसरा मेथड क्या था कि हमने पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड को इवेल्युएट किया, लेफ्ट हैंड साइड को पूरा का पूरा इवेल्युएट किया, लेफ्ट हैंड साइड को इवेल्युएट करने के बाद वो अपने आप वैल्यू पुट करने के बाद वो अपने आप क्या बन गया, राइट हैंड साइड जीरो बन गया। क्लियर हुआ, पक्का श्योर। अब देखो ये हर बार पहला वाला मेथड नहीं चलेगा, हर बार मैनिपुलेशन के साथ नहीं आएगा, लेकिन हाँ काफी हद तक आ जाएगा, वो सारा का सारा तुम्हें प्रैक्टिस बताएगा कि कब आएगा कब नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो तो y डबल डैश y डैश एंड y, तीन तीन चीजें हैं, राइट। तो पहले y डैश निकाला, क्या आ गया, a एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन log x इंटू log x का डेरिवेटिव, तो नीचे x आ गया, प्लस b एज इट इज cos log x by x, कोई डाउट। अब इसके बाद दो मेथड, मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑनलाइन प्लीज ध्यान से सुनना, ये बहुत एक क्रूशियल स्टेप है, ठीक है। इसके बाद दो स्टेप आते हैं, ठीक है, या तो y डबल डैश निकालो अब सीधा, अब देख रहे हो यहां पे u बाय v रूल लगेगा, राइट, या फिर ये हमेशा होगा, हमेशा नहीं इन जनरल, मतलब ऑलमोस्ट 90 केसेस के अंदर, 90% केसेस के अंदर ये होगा, क्या चीज कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद तुम्हें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा ताकि वो फर्स्ट डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई कर दे सेकंड डेरिवेटिव को निकालने के लिए, और वो जो सिंप्लीफिकेशन है वो मेरे को डायरेक्ट जो स्टेटमेंट प्रूव करनी है वो दे देगा। अब जैसे इसके अंदर मैं डायरेक्टली भी डेरिवेटिव कर सकता हूं, हाँ जाना यू बाय वी रूल लगेगा, तो वो तो गंदा होता है यार,
है ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, वो तो गंदगी क्रिएट कर देगा। इससे अच्छा मैंने ये किया, क्या मैं यहां से डिवीजन रूल हटा सकता हूं? बिल्कुल, जो एक्स है कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, राइट, क्या बन जाएगा, एक्स वाई डैश इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। हाँ या ना? अब यहां पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रूल इज मच सिंपलर देन द डिवीजन रूल। अब यहां पे डेरिवेटिव करो, क्या आ गया, मतलब अब पूरा डेरिवेटिव करो, मैनिपुलेशन हो गया, और जनरली मैनिपुलेशन यही रहेगा क्या, कि इधर का जो डिनोमिनेटर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा, कई बार न्यूमरेटर में जो कॉमन फैक्टर आएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाना रहेगा, जो भी है, राइट, मैं हूं इधर अभी। अब डेरिवेटिव करो, एक्स का डेरिवेटिव बचा वाई डैश प्लस एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश का डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू माइनस ए साइन का डेरिवेटिव लॉग एक्स एज इट इज इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस बी एज इट इज कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का डेरिवेटिव। अब देखो इधर डिनोमिनेटर में एक्स आ गया और वो एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ, फिर से क्या बन जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश दैट इज इक्वल, इन दोनों का नेगेटिव साइन कॉमन, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। अब जो चीज प्रूव करनी थी उसका ये वाली चीज ध्यान से देखो बन गई, y डबल डैश के साथ एक्स स्क्वायर, y डबल डैश के साथ एक्स स्क्वायर, y डैश के साथ x, y डैश के साथ x, ये समझ में आया, और ये चीज अपने आप क्या बन जानी चाहिए, ओरिजिनल स्टेटमेंट y, तो ये बन गया मेरा माइनस y, तो एक्स स्क्वायर y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश। अब माइनस y को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस y दैट इज इक्वल टू, एंड वी आर डन, क्लियर हुआ। ये सबसे छोटा मेथड होता है कि एक बार डेरिवेटिव करने के बाद यू हैव टू मैनिपुलेट, मैनिपुलेट करने के बाद राइट फिर से डेरिवेटिव करो, जो स्टेटमेंट चाहिए अपने आप बन जाएगी, क्लियर हुआ। दूसरा काम तो तुम ये भी कर सकते हो, क्या ये वाई डैश निकाला, इसी तरीके से इसका डेरिवेटिव करके वाई डबल डैश निकाला, फिर वाई वाई डैश की वैल्यू, वाई की वैल्यू, वाई डबल डैश की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, जैसे इसके अंदर मैंने बताया था, वो अपने आप जीरो बन जाने चाहिए, वो भी वैलिड मेथड है, बट हाँ गंदगी उसके अंदर ज्यादा है। तो हमेशा ट्राई करो कि एक बार डेरिवेटिव करने के बाद उसको मैनिपुलेशन करो, मैनिपुलेशन करने के बाद अपने आप वो जो स्टेटमेंट बनानी वो बन जाएगी। अच्छा हर बार नहीं ये काम करेगा, कई बार होगा कि तुम्हें यस पुट ही करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन काम नहीं करेगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? यस सर, यस सर। एक्स का डेरिवेटिव वन, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव नहीं किया, एक्स जो आया था एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर का जो एक्स था डिनोमिनेटर का वो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई डबल डैश एंड इधर एक्स वाई डैश आ जाएगा, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डेरिवेटिव नहीं किया, यहां से यहां तक डेरिवेटिव नहीं किया, ये स्टेप बोल रहा है या ये स्टेप बोल रहा है, ये वाला, तो वही तो बोल रहा हूं, यहां पे तो डेरिवेटिव किया, अरे तू बोला कि ये वाला जो है यहां पे डेरिवेटिव किया, एक्स का डेरिवेटिव वन तो बचा वाई डैश, x as it is, y dash का derivative y double dash, ठीक है ना, नोट करो, शाबाश।
कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन है। देखो जरा क्या स्टेटमेंट दे रहा है वो, कि इफ ए एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर वाई बाय एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स, और ये दोनों सेम चीज है बाय द वे, इसका लॉग लोगे तो ये बन जाएगा दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स बाय ए एक्स प्लस बी, ठीक है। वो बोल रहा है कि प्रूव दैट एक्स क्यूब वाई डबल डैश दैट इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर काफी हद तक लग रहा है कि हमें राइट हैंड साइड निकालना पड़ेगा, उसको लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, काफी हद तक लग रहा है, देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये चीज पकड़ी ए एक्स प्लस बी ई की पावर वाई बाय एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स, ये ठीक है। अब अगर मेरे को ये लाना है तो इसको नीचे लेके गया डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी, अब लॉग ले लिया तो इधर आ जाएगा लॉग एंड इधर आ जाएगा लॉग, ये वाई की पार वाई बाय एक्स जो है वो आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा वाई बाय एक्स साथ में आ जाएगा लॉग ई, लॉग ई क्या होता है दैट इज इक्वल टू लॉग एक्स बाय ए एक्स प्लस बी, ये एक्स मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा और मेरा ये बन जाएगा, और आई थिंक यही था ये, तो यस ये दोनों तो आ गए, क्लियर है। अब इसका डेरिवेटिव से ये निकाला हमने को, तो सबसे पहले करो इसका डेरिवेटिव y डैश क्या आ गया, प्रोडक्ट रूल लगेगा। अच्छा एक काम करो, प्रोडक्ट रूल की बजाय उससे पहले मैं ये डिवाइड करके अलग ले आता हूं, तो x log x माइनस log ए एक्स प्लस बी, इसे u बाई v रूल जो है एटलीस्ट वो नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब क्या आ गया y डैश, एक काम करो ये y रखो, तो y डैश क्या आ गया x का डेरिवेटिव, तो बचा log x माइनस log ए एक्स प्लस बी प्लस x एज इट इज log x का डेरिवेटिव माइनस वन बाय इंटू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव a, ये आ गया राइट, दैट इज y डैश दैट इज इक्वल टू log x माइनस log ए एक्स प्लस बी प्लस क्या आ गया, एक काम करो एलसीएम ले लो, ए एक्स प्लस बी इधर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी। अब देखो इससे ए एक्स कटा, ये एक्स एक्स कटा, और ये बन गया मेरा वाई डैश दैट इज इक्वल टू, इसको वापस लॉग एक्स बाय ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, प्लस बी बाय ए एक्स प्लस बी। यहां तक कोई डाउट, ध्यान से चेक कर लो, क्लियर है। अब ये चीज मेरे को ऑलरेडी दिख रही है, इसकी वैल्यू क्या है वाई बाय एक्स, तो इधर वाई बाय एक्स पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा y डैश दैट इज इक्वल टू y बाय एक्स प्लस b बाय ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब y डबल डैश क्या गया, y बाय एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर x y डैश प्लस सॉरी माइनस y प्लस इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अच्छा ये देखो ये क्या है, बेसिकली b इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन, तो क्या आ जाएगा इधर डेरिवेटिव माइनस वन आगे आ जाएगा, b एज इट इज की पावर माइनस टू हो जाएगा, तो दैट इज डिनोमिनेटर के अंदर ए एक्स प्लस बी का, और ऊपर क्या आ जाएगा a, ये आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है अपनी, एक्स क्यूब इंटू वाई डबल डैश, एक्स क्यूब इंटू वाई डबल डैश क्या आ जाएगा, इसको सिंपली एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा एक्स इधर एक्स आ जाएगा ना, एक्स से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस एक्स वाई माइनस इधर आ जाएगा एक्स क्यूब ए बी बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर,
ये आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड है ना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वाई डैश की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ठीक है ना, वाई डैश की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड भी वाई डैश की टर्म्स में ही है। हाँ लेकिन इसका स्केयर भी तो हो जाएगा ना, उसका स्केयर तो चाहिए नहीं अपने को, इसका स्केयर थोड़ी ना चाहिए अपने को, वो ज्यादा गंदगी हो जाएगी। वाई डैश पुट कर दो, सबसे सिंपल है, वाई डैश पुट कर दो, एक्स स्केयर इंटू वाई डैश किया, इसको एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ जाएगा एक्स वाई, इधर आ जाएगा एक्स स्केयर बी बाय ए एक्स प्लस बी माइनस एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब ए बी बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्केयर। देखो एक्स वाई कटा, ठीक है, अब ए एक्स प्लस बी का होल स्केयर, तो इधर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्केयर, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स प्लस बी से, तो एक्स स्केयर बी इंटू ए एक्स प्लस बी माइनस एक्स क्यूब ए बी, क्या बन जाएगा जी, ए बी एक्स क्यूब, ये मल्टीप्लाई होके बी स्केयर एक्स स्केयर माइनस एक्स क्यूब ए बी डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्केयर। देखो ये इसके साथ कटा तो बचा स्केयर कॉमन आ गया, तो बी एक्स बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्केयर, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफाइड वर्जन आया। हाँ है ना, राइट। अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, एक काम करो, इसको इधर ले आओ, ठीक है, कहां पे करें, अच्छा ये तो हमने वही मैनिपुलेट किया था ना, अच्छा अब देखो इसको इधर ले आओ, तो y डैश माइनस y बाय एक्स दैट इज इक्वल टू b बाय ए एक्स प्लस बी, एलसीएम लेके इधर आ गया और ये x इधर चला गया, यहां तक कोई डाउट, इसका स्केयर करो, और ये तो हमारा राइट हैंड साइड है जो प्रूव करना है, ध्यान से चेक करो, एक्स वाई डैश माइनस वाई का होल स्केयर, और ये आ गया बी एक्स बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्केयर, वही चीज ये जा रही है, तो वन एंड टू, तो यस वन इज इक्वल टू टू, दैट इज व्हाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो गंदी मैनिपुलेशन है, बट क्लियर हुआ क्या किया, एक बार गो थ्रू करो ऑनलाइन, एक बार गो थ्रू करो, ठीक है, ध्यान से देखना, इसके अंदर एक मैनिपुलेशन तो करेंगे हम, लेकिन थोड़ा एक अलग तरीके से भी करेंगे, एक नया स्टेप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ध्यान से क्या बोल रहा है कि वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश दैट इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहला स्टेप तो देखो क्या है, डेरिवेटिव करना, तो डेरिवेटिव किया हमने, क्या आ गया वाई डैश, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी अंदर होता है वन बाय एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वन बाय इनटू, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव एक्स का प्लस इसके अंदर पहले पावर वन बाय टू का डेरिवेटिव होगा वन बाय टू और पावर माइनस वन बाय टू आ जाएगा, है ना, तो माइनस वन बाय टू का मतलब डिनोमिनेटर के अंदर रूट आ जाएगा, तो रूट ऑफ और इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव ए स्क्वायर का जीरो एक्स स्क्वायर का ये टू टू कटा ये इधर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इनटू वन बाय एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई डैश। और देखो ये सारा का सारा कटा, तो मेरा वाई डैश सिंपली क्या बन गया, वन बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। हाँ है ना, यहां तक कोई दिक्कत, ऑनलाइन यहां तक क्लियर है, इंटीग्रेशन में बाय द वे रूल आएगा, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा रिलेट करो। अब ध्यान से देखो, जो चीज अपने को प्रूफ करनी है उसके अंदर y डबल डैश के साथ क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
यहाँ पे स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये चीज वाई डैश के साथ आ सकती है, हाँ है ना, लेकिन अंडर रूट में है। अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया भी, मान लो अभी मैनिपुलेशन करना है अपने को, है ना, तो मैंने अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया भी तो क्या चला जाएगा, रूट ऑफ वाई डैश दैट इज इक्वल टू वन, हाँ है ना। ये सोचो अब अगर मैंने डेरिवेटिव किया तो यहां पे रूट का डेरिवेटिव जाएगा, और ज्यादा गंदगी हो जाएगी, तो रूट को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये स्टेप था इसके अंदर एक्स्ट्रा, कि मैनिपुलेशन तो करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह तो करेंगे, लेकिन उसके अंदर मैनिपुलेशन करने के लिए और भी चीजें इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्या, अंडर रूट हटाने के लिए स्केयरिंग, तो स्केयरिंग करके क्या बन गया, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई डैश का दैट इज इक्वल टू वन का स्केयर, तो अब डेरिवेटिव करो, देखो ये एज इट इज अंडर रूट है, कर ले, एक ही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्केयर कर या डायरेक्टली स्केयर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तू बोल रहा है कि इसका स्केयरिंग करके फिर डेरिवेटिव करो, हाँ। अब ये देख जरा, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, पहले पावर टू का डेरिवेटिव टू वाई डैश की पावर वन इंटू वाई डैश का डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव जीरो इसका और वाई डैश का स्क्वायर एज इट इज और ये वन का डेरिवेटिव, अब देखो ये टू वाई डैश कॉमन, क्या बना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बचा बस इधर बचा, अब ये डेरिवेटिव जीरो है नहीं क्योंकि डेरिवेटिव तो हमारा ये है, तो ये जीरो, ये एक्सपीरियंस होता है, चलो नोट करो, लिखो डबल डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, डबल डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, ईशान कल याद है एक क्वेश्चन किया था तूने, बोला था कि सर वो x बाय वाई अगर कर देंगे कॉट थीटा आ जाएगा, तो उसके अंदर तीन तीन आ गए थे, पैरामीटर भी था x और y भी था, उसका डेरिवेटिव करना था, d बाई डी एक्स करना था, राइट, वो चीज अब इसके अंदर आएगी, तो उसके अंदर हमने था इधर क्या, मतलब x बाय वाई इक्वल टू कॉट थीटा, तो इधर हमने d बाई डी एक्स किया, इधर भी हमने d बाई डी एक्स किया, लेकिन इधर एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी चेन रूल के कारण d थीटा बाई डी एक्स, और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, वही चीज इसके अंदर आएगी, मतलब यहां पे जो डेरिवेटिव करके आएगा वो पैरामीटर की फॉर्म में होगा, राइट, अब करना अपने को डबल डेरिवेटिव है तो d बाई डी एक्स करना है, तो इस साइड हमारा पैरामीटर का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा चीज आएगी, जैसे एग्जांपल देखो जरा, एक्स इज इक्वल टू साइन टी वाई इज इक्वल टू साइन पी टी, प्रूव दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस पी स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आ गया, करें, राइट, चलो अब देखो जरा, तो सबसे पहले dy by dx क्या आ जाएगा, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, ठीक है, अब dy by dt क्या आ रहा है, इधर साइन का डेरिवेटिव cos pt इंटू p डिवाइडेड बाय sin t, सॉरी sin t का डेरिवेटिव cos t, ये आ गया, अब ये जो स्टेटमेंट बनी हमारे पास dy by dx दैट इज इक्वल टू p cos pt डिवाइडेड बाय cos t, अब ये जो स्टेटमेंट बनी, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ देखो, हमें d square by ये y double dash क्या है, d square y by dx square,
अब हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो इधर तो डी बाई डी एक्स चाहिए हमें, वैसे भी इधर ऑलरेडी एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हो रखा है, अब मैं टी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव इधर कर नहीं सकता, इधर अगर करूंगा तो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव भी कर सकता हूं, तो मैंने दोनों तरफ एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किया, क्या आ गया, तो इधर तो आ गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स और इधर आ गया डी बाय डी एक्स ऑफ पी कॉस पी टी बाय कॉस टी, आया ना, ये क्लियर है। अब इसके अंदर पी तो बाहर आए थे और बाकी क्या लगेगा यू बाय वी रूट, तो डिनोमिनेटर में आ गया कॉस स्क्वायर टी, ऊपर आ गया कॉस टी इंटू न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन पी टी इंटू पी, तो माइनस पी साइन पी टी माइनस एज इट इज न्यूमिनेटर कॉस पी टी इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस साइन पी टी, तो ये प्लस साइन, अच्छा सॉरी टी, ये आ गया, ये क्लियर है पक्का, क्या बन गया वाई डबल डैश दैट इज इक्वल टू माइनस, तो चलो गया पी कॉस पी टी साइन टी प्लस सॉरी माइनस पी साइन पी टी साथ में कॉस टी डिवाइडेड बाय कॉस क्या टी, हाँ है ना, क्लियर है। अच्छा अब इस पूरी चीज के अंदर पुट करना है अपने को, राइट, लेकिन पुट करने के पहले भी क्या कुछ कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं, देखो कॉस क्या टी क्या होगा वन माइनस साइन स्क्वायर, और वन माइनस साइन स्क्वायर क्या जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली इस कॉस क्या टी की जगह लिख सकता हूं मैं वन माइनस साइन स्क्वायर टी, और साइन टी मेरा एक्स है तो यहां पर क्या आ जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई डबल डैश के साथ ला सकता हूं, और वही चीज मेरे को चाहिए थी वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश, तो थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करना सीखो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके आए वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश दैट इज इक्वल टू क्या बना पी कॉस पी टी इंटू साइन टी माइनस पी साइन पी टी इंटू कॉस टी, ये क्लियर है। हाँ जी ये क्लियर है राइट। अच्छा अब वैल्यू पुट कर दो, तो ये वाली चीज की वैल्यू आ गई ये, ठीक है, दैट इज पी कॉस पीटी, पी कॉस पीटी साइन पीटी सॉरी साइन टी माइनस पी स्क्वायर साइन पीटी कॉस टी, तो ये आ गया मेरा ये फर्स्ट वाला टर्म। अच्छा माइनस एक्स वाई डैश, तो माइनस एक्स एक्स स्क्वायर साइन टी इंटू वाई डैश, वाई डैश क्या था मेरा पी कॉस पी टी बाय कॉस टी, ठीक है, पी कॉस पी टी बाय कॉस टी साथ में क्या चाहिए वाई डबल पी स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्या मेरा साइन पी टी, ठीक है, लेट्स सी देखते हैं ये क्या आता है। यही बना ना, देखो ये इसके साथ कट होना चाहिए था एंड ये इसके साथ कट होना चाहिए था, इधर cos t अलग आए cos t एक्स्ट्रा, अगर इधर से cos t इस पूरी चीज से cos t हट जाए तो मैं लेके बाहर ले लूं, तो ये बन जाएगा माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी, तो ये इसके साथ कटेगा एंड इधर आ जाएगा p cos p cos pt sin t के नीचे आ जाएगा cos t और वो इसके साथ कटेगा, इधर एक cos t एक्स्ट्रा, चेक करो जरा,
नहीं नहीं होगा। एक चीज वही गलती कर दी ना जो नहीं होनी चाहिए थी, एक चीज गलती कर दी, वो चीज था जो कल मैं बोला था, कल वाली चीज। देखो इधर हमने किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किया, तो लास्ट में टी का डेरिवेटिव भी तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा, डी टी बाई डी एक्स भी तो आएगा इधर। अब देखो दोबारा, जब इसका डेरिवेटिव हमने किया राइट, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर पी बाहर आ गया, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अब जब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव किया, कॉस पीटी का डेरिवेटिव क्या जाया, माइनस साइन पीटी इंटू पीटी का डेरिवेटिव क्या जाएगा, पी। लेकिन टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या जाएगा, डी टी बाय पी, डी टी बाय डी एक्स। तो इधर भी डी टी बाय डी एक्स आएगा, माइनस था इधर, और न्यूमरेटर कॉस पीटी और डिनोमिनेटर कॉस टी का डेरिवेटिव, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन टी, इंटू टी का डेरिवेटिव डी टी बाय डी एक्स भी आएगा, ये समझे। तो यानी कि न्यूमरेटर से पूरा का पूरा डी टी बाय डी एक्स भी आएगा, ये हम भूल गए। ये क्लियर हुआ, श्योर ऑनलाइन क्लियर हुआ, ये डी टी बाय डी एक्स क्यों आएगा, ठीक yes, है। अच्छा अब ध्यान से देखो, इधर डी एक्स बाय डी टी, टी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कॉस टी, रेसिप्रोकल कर दो, तो डी टी बाय डी एक्स क्या है, वन बाय कॉस टी। तो बेसिकली यहां पे क्या आ जाएगा, एक वन बाय कॉस टी, तो इधर आ जाएगा कॉस टी, हाँ जाना, एक एक्स्ट्रा डिनोमिनेटर में कॉस टी आ जाएगा, यानी कि इधर एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, कॉस टी, यही बोला था मैं, डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा आना था राइट। अब अलग अलग कर दो इसको, कॉस टी इधर एंड कॉस टी इधर, ये इसके साथ कटा राइट। अब ये चीज और ये चीज ध्यान से देखो, एग्जैक्टली सेम है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये इसके साथ कटा, माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी प्लस पी स्क्वायर साइन पी टी, ये कटा, तो क्या आ गया जी। तो ये चीज याद रखना, ये जनरली भूल जाते हैं, मैं भी अभी भूल गया, क्लियर हुआ, ये नोट करो।